एक्टिवा 125 FI आ चुका है गाइस, और जो मेरा पिछला वीडियो था इसी स्कूटर पे उस पे आप में से बहुत लोगों ने जो है एक काफी कॉमन क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन ये था कि जो हीरो माइस्ट्रो एज 125 FI है वो कितना डिफरेंट है व्हेन कंपेयर्ड टू द होंडा एक्टिवा 125 FI। तो आज इस वीडियो में गाइस हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिद्धिमान और आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। तो एक्टिवा 125 FI जो है होंडा की तरफ से सबसे पहला BS6 रेडी प्रोडक्ट है। अब BS6 हमें मालूम ही है कि अप्रैल 2020 से इंडिया में लागू हो जाएगा। BS6 क्या है अगर आपको नहीं मालूम है तो ऊपर कार्ड्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लो, आपको जो है उसमें डिटेल में मालूम चल जाएगा कि BS6 क्या है। अब गाइस एक्टिवा में जो है हमें देखने को मिलता है PGM FI, यानी कि प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन। ये बेसिकली दोस्तों होंडा का अपना एक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, या अगर मैं कहूं तो डिजिटल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। और अब इसको समझने के लिए दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि एग्जैक्टली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता क्या है। पहले दोस्तों सिर्फ मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्टर्स हुआ करते थे, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई अब जो है दोस्तों हमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है देखने को मिल जाते हैं। इंजन में जो है बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, कूलेंट के टेम्परेचर, इंजन ऑयल के टेम्परेचर और सभी पैरामीटर्स को जो है वो मेजर करते रहते हैं। अब ये जो डेटा है दोस्तों इसको भेजा जाता है कार के ब्रेन में, जिसको हम कहते हैं ECU, और ECU जो है इस पूरे डेटा को मेजर करता है, एनालाइज करता है, और उसके बाद जो है ये डिसाइड करता है कि इंजन में जो है कितना फ्यूल देना चाहिए और कब देना चाहिए। तो इसके बेसिकली फायदे क्या होते हैं भाई, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला होता है पावर आउटपुट। जितने भी फ्यूल इंजेक्टेड वाली गाड़ियां होती हैं, बाइक्स होती हैं, उसमें जो पावर आउटपुट होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। और दूसरा है दोस्तों ऐसी चीज जो हम सभी को बहुत पसंद आती है, वो है फ्यूल एफिशिएंसी। तो फ्यूल इंजेक्टेड वाले जो इंजन्स होते हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है थोड़ी सी बेटर होती है व्हेन कंपेयर्ड टू दी नॉर्मल कार्बोरेटेड इंजन, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर्स जो एकदम एग्जैक्टली मेजर करते हैं कि कितना फ्यूल भेजना चाहिए जिससे जो है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिल सके, और इसी वजह से फ्यूल जो ऑटोमेटिकली ज्यादा सेव हो जाती है जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी कार्बोरेटेड वाले इंजन से। तीसरा फायदा है दोस्तों जिसके वजह से FI सिस्टम को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, वो है एमिशंस। अब जो फ्यूल इंजेक्टेड वाले इंजन्स होते हैं उसमें जो एमिशंस होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो जो है कम होते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है देन व्हेन कंपेयर्ड टू एनी कार्बोरेटेड वाले इंजन। और चौथा होता है दोस्तों स्मूथनेस। आप कोई भी फ्यूल इंजेक्टेड वाली व्हीकल चला के देखो, उसकी जो स्मूथनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है किसी भी कार्बोरेटेड वाले इंजन से। तो ये सारे तमाम जो है कुछ फायदे हो जाते हैं एक फ्यूल इंजेक्शन का होना किसी भी इंजन में। अलावा दोस्तों और भी कुछ सारे फायदे हो जाते हैं, जैसे जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में जब भी हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन जो है कोल्डर स्टेट पे रहता है, तो उस टाइम जो है फ्यूल इंजेक्शन की वजह से जो स्टार्टिंग इश्यूज है वो कम आते हैं, इजिली जो है इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब जब आइडलिंग कंडीशन में आपकी टू व्हीलर रहती है या कोई भी कार रहता है तो उसमें जो है ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है। आइडलिंग कंडीशन से मेरा मतलब है कि जब आप कार के इंजन को ऑन रखा है, आप रेड लाइट पे खड़े हो, यूजुअली मैं प्रेफर करता हूं कि कार को जो बंद कर दे क्योंकि उससे जो फ्यूल बचती है, बट अगर किसी कारणवश आप स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में और आपके कार को जो है आपने इंजन ऑन रखा है, उस टाइम जो स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, उस टाइम जो इंजन में ज्यादा नॉकिंग साउंड्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं होते। तो ये कुछ जो है दोस्तों बेसिकली फायदे हो जाते हैं किसी भी फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम का। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की कि इस फ्यूल इंजेक्टेड PGM FI जो है वो कितना डिफरेंट है फ्रॉम द हीरो माइस्ट्रो एज का FI सिस्टम। और होंडा का जो जॉइंट वेंचर था तो उस टाइम हीरो के कई सारे बाइक्स में जो है हमें PGM FI देखने को मिल जाते थे। एक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, होंडा जो है उसको PGM FI का नाम देती है और हीरो जो है उसको सिर्फ FI का नाम देती है। होंडा जो है उसमें कुछ थोड़े मॉडिफिकेशन कर लेता है, हीरो का जो अपना कुछ सेट ऑफ मॉडिफिकेशन है, बट दोस्तों बेसिकली जो काम है वो दोनों का सेम ही है। दोनों जो है दोस्तों फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम्स ही हैं, दोनों का जो बेसिक फायदे हैं वो सेम ही हैं, जो काम करता है वो भी सेम तरीके से ही काम करता है, बट वो ट्यूनिंग डिफरेंस होती है और कंपनी जो है किस टाइप से उस इंजन में और इनकॉर्पोरेट कर रहा है फ्यूल इंजेक्शन को, वो डिपेंड करता है। अब बात आता है कि हीरो माइस्ट्रो को अगर हम कंपेयर करते हैं एक्टिवा 125 से तो कौन सा बेहतर होगा। अगर हम फीचर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एक्टिवा 125 FI में जो है आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं।
एक्टिवा 125 एफआई में जो है होंडा ने बहुत सारे इंटेलिजेंट फीचर्स ऐड किए हैं जो डे टू डे राइड में जो है आपको एक जो है डिफरेंस आपको मालूम चलेगा। माइस्ट्रो एज में भी जो है हमें ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है, बट फिर भी जो है बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अभी भी माइस्ट्रो एज में नहीं है। इनफैक्ट एक्टिवा 125 एक ऐसा स्कूटर है जो मे बी ये फर्स्ट इन क्लास ये सारी फीचर्स को लेके आ रहा है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप दोनों ही मेरे माइस्ट्रो एज 125 के वीडियो को और एक्टिवा 125 एफआई के वीडियो को जो है देख लो, उसमें मैंने डिटेल में दोनों ही स्कूटर के बारे में बता रखा है। बट डेफिनेटली गाइस जब तक आप इस स्कूटर को चलाऊंगा नहीं तब तक तो एग्जैक्टली बताना डिफिकल्ट है कि होंडा ने इस इंजन को डेवलप करने में बहुत सारे नए पेटेंट्स दिए हैं। बट अगर सिर्फ फ्यूल इंजेक्शन के पॉइंट से आपको कंफ्यूजन है कि क्या फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एक्टिवा 125 एफआई का बेटर है या माइस्ट्रो एज एफआई का, तो वो प्रैक्टिकल राइडिंग के बाद भी जो है मालूम चल पाएगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कि क्या आपको एक्टिवा 125 के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि एक्टिवा 125 एफआई जो है सितंबर के महीने में हमारे मार्केट में सेल्स के लिए ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। तो क्या आपको रुकना चाहिए इस स्कूटर के लिए, क्योंकि अभी जो एक्टिवा 125 मार्केट में अवेलेबल है उसमें बहुत सारे ये नए फीचर्स जो है आपको देखने को ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। दूसरी बात है कि वो जो है BS4 इंजन है। अक्सर तो BS4 इंजिन्स में आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे भी चल के जो BS6 फ्यूल्स है वो कम जो है इजीली काम करेंगे BS4 के इंजिन्स में। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो मेरा तो कहना होगा कि डेफिनेटली वेट कर जाइए, क्योंकि जो अपग्रेड है वो काफी मेजर अपग्रेड है और आपको जो है काफी सारी नई चीजें जो है यही नए एक्टिवा 125 में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों एक डिटेल कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, जो मौका मिलेगा एक्टिवा 125 एफआई को चलाने का, तो मैं एक डिटेल वीडियो डेफिनेटली लेकर आ जाऊंगा। तो गाइस आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे उसको जो है मैंने यहां पे आंसर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक ऑडियो तत्व को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो गाइस विद दैट जाने से पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज फास्ट एंड सीबल सो ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गेज एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।